Hey guys, good morning. तो सुबह सुबह आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे रूपरेखा जीने की राह। तो आज मैं सुबह ही हम लोग जा रहे हैं चर्च। अभी संडे है आज और जल्दी निकले, आज हमारा जल्दी उठे तो इसलिए जल्दी तैयारी हो गई और जल्दी चर्च में जा रहे। तो और कैसे हो सब, आप मजे में हो, खुश हो, खुश रहो। और ये बहुत हिल रहा है गाड़ी हिल रही तो वीडियो भी हिल रहा है। ये आ गया झाड़ी वाला रास्ता फिर से, पूरा हरियाली वाला। ये हरियाली और ये रास्ता, और ये है हमारे नागपुर की हरियाली। और आज संडे है तो देखो रोड पे कोई है नहीं, एक दो ही जन है, पूरा खुला, नहीं तो ये एरिया पूरा भरा रहता है लोगों से। पहुंच गए चर्च। अच्छा बाय बाय। और आज हम लोग आए हैं सुशी मौसी के यहाँ खाना खाने, और दिखा रहे मटन, और हंडी में मटन बना, ये टेस्टी वाला मटन। और अभी हम लोग सब खा रहे, मैं भूल ही गई थी वीडियो लेने के लिए, और सब ताव मार रहे हैं। रूपक इधर बैठे हैं, अरे बुलाओ ना सबको खाना खाने को, ऐसे ही वर्जी दे। और मिस्टर देशमुख उधर बैठे हैं, सुशी को बात करने के लिए टाइम नहीं है अभी, वो जरा बिजी है मटन खाने में। हमेशा हल्लो हल्लो करती है, और अभी देखो आ जाइए आप सब लोग खाना खाने सुरेखा के साथ। सुरेखा के साथ। तो अभी मैं खाती हूँ, चलो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो, खुश हो, मजे में हो, खुश रहो, मजे में रहो। और भैया गाड़ी चला रहा है, एकदम साइलेंट बैठा है, पता नहीं उसको नींद आ रही क्या, तो लेकिन गाड़ी चला रहा है। और पीछे बैठी है, पहचान रहे हो, सुशी मौसी बैठी है। और हम लोग कुछ नहीं, ऐसे आउटिंग के लिए थोड़ा सा जा रहे हैं, और आप भी हमारे साथ चल ही रहे हो। तो अभी यही से नागपुर के पास ही 10-20 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पे जाएंगे, ज़्यादा 20 नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही था, 30 किलोमीटर वगैरह रहेगा। गाड़ी हिल रही है इसलिए मैं भी हिल रही हूँ। और अभी चलते हैं, थोड़ा सा वर्धा रोड पे हम निकल गए हैं। हम आज बाहर निकले और फिर से वो धूप आ गई, मुझे लगा बारिश का मौसम रहेगा इसलिए प्लान बनाए, लेकिन बारिश कुछ आ नहीं रही है, शाम को आ जाएगी। वैसे नागपुर में शाम को ही बारिश आती है, और अभी तो धूप ही है, लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं हो रही है और गाड़ी में अच्छा लग रहा है। थोड़ा बाहर धूप है, बाहर जब निकलेंगे तब तड़काने वाली धूप रहेगी, ज़्यादा इतनी तड़काने वाली नहीं है लेकिन है धूप। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हमने थोड़ा सा टिफिन लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, थोड़ी चिकन रोटी, चिकन और रोटी ले लिए हैं, पराठे, और भैया चिकन नहीं खाता तो उसके लिए थोड़ा सा अचार ले ली हूँ। और अभी लोग चलो, अब आप भी चल रहे हो खेत में, जाएंगे खेत में, वो वहाँ कुछ आंबाड़ी की वगैरह भाजी है बोले, अब देखते हैं वहाँ क्या है। तो अपने एक सब्सक्राइबर है तो उसने बहुत बार बुलाया था, अभी मैं तो उसको नहीं जानती हूँ, लेकिन वो मेरे वीडियो देखता है तो उसने बहुत बार बोला था कि दीदी आ जाओ आ जाओ। वैसे उसको यानी मैंने मिली नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही चैट वगैरह करते हैं ना अपने, उसमें बात वगैरह की है। तो अभी चलते हैं, चलो आप भी चल रहे हो। ये है हमारा वर्धा रोड, वर्धा रोड तो आपको नहीं दिखेगा, रुको दिखाती हूँ, ये देखो ये उल्टा दिख रहा होगा, तो वर्धा रोड है ये। बोलते तो अभी जा रहे हैं, अभी बारिश का मौसम है इसीलिए कीचड़ का यानी बहुत सारा कीचड़ रहेगा, लेकिन ठीक है आज इतनी बारिश नहीं आ रही तो इतना कीचड़ भी नहीं होगा। और हम लोग जा रहे हैं अभी खेत के अंदर, आप लोगों को अभी खेत का वीडियो दिखाती मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे खेत खुद में घूमना, सिर्फ थोड़ा कीचड़ नहीं होना तो ज़्यादा भी नहीं है, ऐसे जा सकते हैं, रास्ता ठीक है। और ये देखो जवारी, और ये भैया और शुभम जा रहे हैं सामने। शुभम कौन है, मैं आपको मिलाती हूँ, मैं भी उसको फर्स्ट पहली बार दिख रही। और सुशी को सिर्फ मुर्गियाँ दिख रही है, बोल रही है कोमड़ी देख, कोमड़ी का एक मैं हमारे हॉस्टल का ये बताऊंगी आपको किस्सा, वो सुशी बताएगी कैसा किस तरह से क्या हुआ था। तो हाय गाइस,
मैंने आपको कहा था ना कि कोई शुभम नाम का मेरा सब्सक्राइबर है, उसने मेरे को बहुत बार बुलाया था और हमको बुलाया और ये हमारा कॉल ही नहीं उठा रहा था। और फिर हम वापस जा रहे थे तो फिर उसको मैंने कॉल की, कॉल उठा नहीं रहा था, इन्हें एंगेज दिखा रहा था वो जानबूझ के नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था अरे भाई यहाँ तक बुलाया और ऐसे कैसे हो गया। तो ये है शुभम सुरकर और ये रहता है सिंधी में, ये वर्धा और नागपुर के बीच में सिंधी गांव आता है। अब जो लोग इधर के साइड में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि कहाँ पे आता है, और जो दूर से देख रहे उनको नहीं पता होगा लेकिन जान लो। तो बहुत दिन से इसका मुझे कॉल आया था कि अरे हमारे यहाँ गांव पे आइए, थोड़ा वीडियो बनाइए। तो ये इसका खेत है, इसके फ्रेंड का खेत है, इसका खेत थोड़ा अंदर है। तो मैंने सोची क्यों इतने अंदर जाना, चलो यही का वीडियो बना लेते हैं। वीडियो अभी मराठी में है, अभी बाकी ये सब मराठी या हिंदी में बोलना है भाई, बोल। मला बोलायचं आहे की समजा आता कॉटन आहे किंवा कपाशी आहे, हे समजा आता बोंड पकलेलं आहे, हे बोंड आता पकण्याच्या तयारीत आहे किंवा छोटा आहे, हे पाती आहे म्हणजे या पातीपासून छोटं बोंड तयार होईल, त्याच्यानंतर हे असं मोठं होईल, त्याच्यानंतर हे बोंड फुलेल, कापूस येईल त्याला, हे लगा देते माईक, याला मग हे जे मोठं बोंड आहे याला कापूस वगैरे येईल, मग म्हणजे ते तेव्हापर्यंत सुरू होऊन जाईल, दिवाळीच्या जवळपास किंवा दसऱ्याच्या जवळपास कापूस निघणं सुरू होऊन जाते। आपलं शेत थोडं अंदर आहे, आपण आपल्या मित्राच्या शेतामध्ये आलेलो आहे, कपडे अच्छे नाही आहे आमचे, जरा शेतातले कपडे आहे, कपडे से क्या करना है अपने को है कि नहीं। ताईला माझी खूप विनंती होती की तुम्ही जर सिंधीकडे याल तर माझ्या शेतावर या बा किंवा मला भेटा बा, तर त्या आज वेळात वेळ काढून आल्या, त्याच्याबद्दल खूप त्यांचे आभारी आहे। त्यांना मी माझ्या लग्नाची पत्रिका पण पाठवली होती पण त्या येऊ नाही शकल्या, लेकिन अभी कैसे नहीं हुआ था, धूप काला था और नहीं जमा था मेरा, तो मैं सोची चलो अभी इधर के साइड में केळझर जा ही रही हूँ तो इसको भी मिल लेती हूँ, नहीं तो हमेशा क्या ऐसी हड़बड़ रहती है, घाई रहती है तो जाना नहीं होता। और फिर इसीलिए क्या कि हर बार सोचती थी कि जाऊंगी जाऊंगी, लेकिन इस बार सोची चलो आज थोड़ा जाके उसको मिल ही लेते हैं, लेकिन वो कुछ फोन का ये हो गया इसीलिए वहाँ गाँव में नहीं। लेकिन ये खेत ये इसी साइड में इन लोगों की खेत है, तो चलो मैं दिखाती हूँ आंबाड़ी की भाजी। आणि मराठी जे लोक आहेत त्यांना माहितच असेल ते आंबाडीची आंबड भाजी असते, मी स्वतः तर कधी बनवत नाही, मला एक दोनदा मी फक्त खाल्लेली आहे, कोणी दुसऱ्यांनी दिलेली होती ती खाल्लेली आहे, मी स्वतः बनवलेली नाही आहे। तर कोणसे झाड आहे रे आंबाडी के, हाँ हाँ ओ सुषमा मावशी दिखा रही है, अब ये सुशी लेके जाएगी और थोड़ी सी बनाएगी और मेरे को भी खिलाएगी, पता नहीं अभी कौन सी खाने की है, या लाल कलर की रहती बोलती कौन सी, तो भी वो बोल रही थी। हाँ तो इस टाइप का है ये पराठी, यानी ये अपना कपास कॉटन, जिससे अपने को कॉटन मिलता है, जिससे अपने कपड़े बनते हैं। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में बहुत बड़ा सा पराठी का पेड़ दिखाई थी, तो ये अभी छोटे हैं और इसको अभी आ गए हैं फ्लावर्स वगैरह, फ्लावरिंग पे है, और वो छोटे छोटे बोंडे जो बोलते हैं हमारे मराठी में वो भी आए हैं। तो इस तरह से अभी हम सिंधी रेलवे में हम लोग आए हैं, और मुझे कुछ नहीं, मुझे आप लोगों को शुभम से ही मिलाना था, और ये मेरा सब्सक्राइबर है, और तेरे को बोलना है ले शुभम कुछ बोलना है बोल, उसकी बहुत इच्छा थी कि वीडियो बनाओ, आता काही बोलण्याची इच्छा नाही आहे, कसा आहे आज थोडं लेट झाला आहे, आज थोडं बादल वगैरे आहे, तर त्यांना मी माझ्या शेतापर्यंत काही नेऊ शकलेलो नाही आहे, आणि थोडं ओलं पण आहे, त्याच्यानंतर आता शेंगा वगैरे आहे, सोमवार चना वगैरे येईल तेव्हा त्या येईल एकदा आणखी, तेव्हा मी पण फ्री राहील, कारण आज मी पण थोडं बिझी होतो असल्यामुळे थोडं लेट झालं, धन्यवाद। तर चलो अभी थोडा सा घुमते है, कुछ रील वील बना लेते हैं और फिर निकलते हैं। सुरुंग आहे आणि हे जेव्हा हे कडुलिंबाचं झाड आहे ना, हे याचं सावलीत खूप छान वाटते उन्हाळ्यामध्ये। नाही आता ऍक्च्युअल बोर धरणला चाललो होतो आम्ही, पण ये विलेज में ये सब बहुत अच्छा लगता मुझे, ऐसे ही इस पे खटिया पे बैठो, अभी टाइम नहीं करके अभी बैठेंगे नहीं, आगे चले जाएंगे, नहीं तो एक आध बार थोड़ी ठंडी का मौसम आता है तब आएंगे हम लोग ना। उसके अभी छोटे छोटे पौधे है, ये देखो थोड़ा छोटा सा है, ये रोड के साइड में है इसीलिए ज्यादा बड़ी जमीन नहीं है, और अंदर बहुत सारे उन्होंने ये किए हैं, इसकी खेती की है, थोड़ा सा पट्टा था इसमें भी डाले हैं, अभी लगने के है, इसको जवारी लगती है ना, वो गीली जवारी भी बड़ी अच्छी लगती है भुनने के बाद। और ये नागपुर बॉम्बे हाईवे बन रहा है, समृद्धि महामार्ग,
ये यहाँ से फिर ये जाती है, यानी यहाँ से गाड़ियाँ जाती है। और ये देखो ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। अब ये चालू ही होने का है समृद्धि माँ, ये टोल बूथ आगे चल रही है। हाँ वो देखो वो दिख रहा है टोल बूथ, हर जगह ऐसे टोल बूथ बनाए हैं ये इस टाइप के। अभी तो शुरू नहीं हुए, अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है। और ऐसे भजी देखो, और उसको साथ में मिर्ची भी है। अब ये वाला टुकड़ा आपके लिए लो, और उसके साथ थोड़ी सी मिर्ची भी चख लो। ये हमारी भिवापुरी मिर्ची है, नागपुरी। खा लो मिर्ची, खा लो खा लो। और डब्बा है दिखाती निकालने के। और ये खाना है हमारा, ये घर से लाई थी मैं चिकन, और ये दाल तड़का ले लिया। अचार भैया खा रहा, सुशी भी खा रही। आप भी आ जाओ खाना खाने, वो भी खिला रही आपको। और अभी मैं खा रही दाल तड़का और चिकन। और थोड़ी सी तंदूरी रोटी मंगा ली, हम पराठे लेके आए, लेकिन यहाँ की गरम गरम तंदूरी और घर का चिकन भी बहुत टेस्टी बनाया, जैसे बाजार के जैसे ही लग रहा है ना, बाहर का जैसे खाते ना अपन उसी टाइप का लग रहा है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। ऐसे हम लोग घूमने गए थे, छोटी सी पिकनिक करने, और हम दोनों ही जन थे और हमारे साथ भैया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जो हमारे चैनल पे नए हैं उनको सब्सक्राइब करना है बस, और एक बटन दबानी है, आइकॉन वाली बटन जो घंटी है उसको बजा दीजिए, और उससे नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल बिंदास धाड़ 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 एक ही बार करना है, एक ही बार, नहीं तो उससे ना अगर दूसरी बार किए तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो सिर्फ एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है। और मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मिलती हूँ नए एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। सुखा नहीं रहा, सोई नहीं रहा, आनी रूप रेखा जीने की राह बदल रहा। तो इस तरह से आज की हमारी छोटी सी ये पार्टी हो गई। हमने थोड़ा घर से खाना लाया था, थोड़ा बाहर से मंगा लिए, और ये ग्रीनरी, वाव, दिल खुश हो जाता। इतना सुंदर हरा हरा, यानी जहाँ भी नजर डालो पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये हम नहीं छोड़।